चंचोला है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 x 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। हौज माने होता है जैसे कोई बर्तन हो या कोई टंकी हो। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा माना कि छोटे ब्यास वाला नल, छोटे ब्यास वाला नल हौज को भरने में एक्स घंटे का समय लेता है। ये हमने लिखा तब छोटे ब्यास वाला नल एक हौज को एक घंटे में भरेगा। क्या कितना भरेगा? हम लिखेंगे 1/x। तथा बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में 10 घंटे कम लेता है, तो हम लिखेंगे 1/(x-10)। ठीक है। हमने लिखा क्योंकि दोनों नल एक साथ हौज को 3 x 75/8 घंटे में भरता है, तो इसमें देखिए 9 x 3/8 लिखा था, 8 ऐसे किया, 8 का मल्टीप्लाई किया 9 से, हो गया 72, 72 का प्लस कर दिया 3 में, 75/8 लिखा। तब दोनों नल एक साथ हौज को 1 घंटे में भरेंगे। मैंने दोनों नल को ले लिया है पहले 75/8, यानी इसे 3 घंटे में इतना समय घंटे ले रहे हैं, और 1 घंटे में तो ऊपर हमने 1 लिख दिया, तो पहला नल ये हो गया, दूसरा नल ये हो गया, बराबर में 1 घंटे में भरेंगे। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे 75/8। ठीक है। इसी प्रकार लिखिएगा -10, इसी प्रकार प्लस का साइन है तो इसको इससे लगा देते हैं। अब इसका भाग करते हैं इससे, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई किया 1 से तो एक्स आ गया, बराबर में 75/8। ठीक है। इसका एक्स बटे में एक्स और ब्रैकेट में एक्स -10 ब्रैकेट बंद बराबर में 8/75। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया माइनस का है, इसको इसी प्रकार लिखा बराबर में 8/75। इसका ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स का एक्स से किया तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, इसी प्रकार एक्स का किया 10 से तो हो गया 10x। इसमें हमने कॉमन निकाल लिया, बचा एक्स माइनस का, 2 से हम 10 को काटेंगे तो कटेगा 5 बार, और ये बटे में लिखा है, इसको इसी प्रकार लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बराबर में 8/75। ठीक है। इसका 5 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बराबर में 4/75। कैंची गुणा कर देते हैं, 375। अब देखेंगे यहाँ पर बराबर का साइन लगा है और बराबर की सेट लिखा है प्लस का 75। तो देखिए ये जो है इसको इस प्रकार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, एक्स का जो पद है उसको एक्स के पद के बगल में लिखेंगे, जैसे कि 75x है यहाँ पर 40x है, तो 40x हमने इसी प्रकार लिखा कि प्लस का है, यहाँ पर बराबर का साइन है, इसको उठाकर हम यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 75x। अब ये अचर पद है तो ये माइनस का है, ठीक है, इसको भी उठाकर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 375 बराबर में लिखेंगे 0। तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का, तो 115x प्लस का 375 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 375 में तो आ जाएगा 1500। तो हमें ऐसा करना होगा कि जो 1500 आएगा अगर हम गुणा करेंगे तो 1500 आ जाना चाहिए, अगर हम प्लस करेंगे तो 115 आ जाना चाहिए। ठीक है। तो 100 एक ऐसी संख्या है, अगर हम उसमें 15 का प्लस करेंगे, 100 में अगर हम 15 प्लस करेंगे तो 115 हो जाएगा, और अगर हम गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस का साइन इसी प्रकार ब्रैकेट में लिखेंगे 100 माइनस प्लस का 15 बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का 375 बराबर में 0।
तो चलिए अब एक्स का गुणा करेंगे इसमें और माइनस का गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स 4x² माइनस का साइन इसी प्रकार हो जाएगा 100x माइनस का 15x प्लस का 375 बराबर में 0। तो अब कॉमा निकाल लेते हैं, आएगा 4, और एक्स भी आएगा, ठीक है, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, तो हमने 4 और एक्स को लिया कॉमन, तो 4 से 4 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा एक एक्स यहाँ पर, तो एक्स लिखा माइनस का साइन इसी प्रकार 4 से 100 को काटेंगे, पहले एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, बचा 4, 4 से काटेंगे 100 को, तो कटेगा 25 बार। माइनस माइनस ये जो माइनस का साइन है इसको इसी प्रकार लगाया, अब इसमें कॉमन निकलेगा 15 और एक्स तो निकलेगा नहीं, ठीक है, एक्स यहाँ पर नहीं दिया है, तो एक्स इसी प्रकार यहाँ लिखा 15 से हमने इसको काटा तो 25 बार कट गया बराबर में 0। एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 4x माइनस का 15 और एक ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स माइनस का 25 बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट में पहला जो ब्रैकेट है उसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट में लिखा है 4x माइनस का 15 बराबर में 0, तो 4 यहाँ पर होगा एक्स बराबर में, ये जो माइनस का 15 है ये प्लस का हो जाएगा, एक्स का गुणांक है 4, ये बटे में आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा आंसर क्या होगा, एक्स माइनस का 25 बराबर में 0 लिखा है, तो एक्स बराबर में 25 छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में एक्स निकल के आया है 25, ठीक है, जैसा कि अभी हमने निकाला एक्स बराबर में 25 यानी इसी का, ठीक है, तो 25 निकाला, अब हमें निकालना है बड़े का, बड़े व्यास वाला नल हौज को एक्स माइनस का 10, ठीक है, ये हमने माना था बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में इतना घंटा लगाता है, इतना आवर लगाता है, तो हम एक्स का देखिए हमने निकाल लिया है 25, तो लिखेंगे 25, ये जो माइनस का 10 है इसको इसी प्रकार लिखा और 25 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15, ये आ गया 15 घंटा, ये आ गया है 25 घंटा यानी आवर, छोटे नल को भरने में समय लगता है इतना और बड़े नल को भरने में समय लगता है 15 घंटा।